Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Hey friends, good morning. कैसे आप लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनाया जाता है। और इसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए थे, इसका एग्जांपल के तौर पर बताए थे। और आज डायरेक्ट आपका एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर में आपको चलते हैं। आपको जो चैप्टर है इसमें दिया हुआ है रूट्स ज्ञात करना है और ये इक्विवेलेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो ये आपको ये फैक्टराइजेशन से निकालना है और ये अलग अलग फॉर्म में हमको निकलेगा। चलिए, सो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जब इस तरह से आपका क्वेश्चन मिलेगा, दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले इसको क्या करिएगा, तो हमको इस टर्म को लाना है या कौन सा सब टर्म्स बैठाएंगे, तो बीच वाले टर्म्स मुझे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो एक नंबर आप बैठा सकते हैं 5x प्लस 2x माइनस लगाइए, 5x में 2x घटाएंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। हमको ऐसा टर्म्स लेना है जो दोनों नंबर को क्या करेगा, काट देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे इसमें x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस नंबर को यहाँ पर लिखे हैं। अब इस नंबर में दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रहा है, देखिए इस दोनों नंबर में कॉमन क्या आ रहा है, और ये दोनों कॉमन आने का मतलब हो गया कि दोनों नंबर एक ही नंबर होना चाहिए। जैसे इसमें लिखेंगे क्या, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका x, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर 2, इसमें क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे ये नंबर, देखिए और ये नंबर, ये दोनों नंबर क्या है, आपस में दोनों इक्वल है, तब यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करके निकाल सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस इक्वल टू 0, तो लिखेंगे दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे x प्लस, अब ये बराबर के बाद ये साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा चिन्ह, तो आ जाएगा माइनस 2, और ये आपका x बराबर इक्वल की साइड जा रहा है तो माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस। इसका मतलब यहाँ पर जो रूट्स निकला आपका, जो बोल रहा था फाइंड रूट्स, तो यहाँ पर आपका ये दो रूट्स निकल गया, आपका एक आया x बराबर माइनस 2 एंड x बराबर फिर एक आया आपका 5, यही आपका दो रूट्स निकला है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या है। तो इस नंबर क्वेश्चन में आपको भी क्या करना है, इस फॉर्म को हमको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर बैठाएंगे कि जो नंबर आपका x ही बचेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3x, 4 में अगर 3 घटाएंगे तो आपका x आ जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों नंबर में 2 कॉमन आ रहा है कि 2 के टेबल में 4 आ जा रहा है और 3 के टेबल में 6 आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2x को बाहर निकालिए, यहाँ बचेगा 2, 2x बाहर आ गया तो यहाँ बचा क्या सिंगल x प्लस 2 जा 4, 2 x तो बाहर चला गया। अब यहाँ पर क्या आप बाहर ले लेंगे, यहाँ पर माइनस बाहर कर दिए तो बचेगा 3 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा 3 2 6 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3, देखिए ये नंबर x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब ये जो बना रहे हैं राइट है, लिख सकते हैं 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको निकालेंगे तो अलग अलग फाइंड करेंगे,
लिखेंगे 2x-3=0, देन x+2=0। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x = -2, इसमें आपको आ जाएगा 2x = 3। क्यों 3 आया? क्योंकि जब 2x-3 है तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो मुझे चाहिए क्या, x = तो लिखेंगे x = 3/2। तो इसका भी कितना रूट्स निकला, इसका भी 2 रूट्स निकला, ठीक है। तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर में आ जाएगा x = 3/2 और एक नंबर आपका माइनस में आएगा 2। तो इस नंबर को आप लोग ब्रैकेट बंद कर कर इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, क्या जब भी इसका रूट्स निकालने के लिए बोलेगा और फैक्टराइजेशन जब भी बोल देगा, तो ये दोनों नंबर को हमको देखना है कि कौन सा नंबर बैठाएंगे जो आपको यहाँ पर इस नंबर को दे देगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, √2x²+7x+5√2=0। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर आपका रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर सिर्फ देखिए कि आप कौन सा ऐसा नंबर से बैठाएंगे, दो ऐसा पेयर बनाएंगे जो इस नंबर के अकॉर्डिंग इक्वल आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5x+2x, जब ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, तो ये 7x तो यहाँ पर तो आ गया। तो इस नंबर को इसके जगह में इस नंबर को हम पुट कर देते हैं, तो लिखिए इसमें √2x²+5x+2x+5√2=0। अब यहाँ पर देखना क्या है, ये दोनों नंबर्स अलग है, इस दोनों नंबर अलग है, सिर्फ इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो इसमें निकालिए x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा √2x+5, क्योंकि x तो बाहर आ गया, सिर्फ बचा 5, तो ये 5 लिखा गया, प्लस इसमें क्या है, दोनों में कॉमन है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 को बाहर कर देंगे या फिर √2 को बाहर कर दीजिए इसमें, तो आ जाएगा √2 बाहर जब होगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, √2x+, ये √2 तो बाहर हो गया तो सिर्फ बचा 5=0। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ का और ये दोनों नंबर दोनों सेम है, इसका मतलब x+√2 लिख सकते हैं, x+√2 एंड √2+√2 x+5, एक नंबर ये लिखना है और एक नंबर ये दोनों के बीच में नंबर लिखना है =0। देन इसमें लिख सकते हैं x+√2=0, अगेन √2x+5=0। दोनों नंबर को अलग अलग कर देते हैं फाइंड, इसमें क्या आएगा x = -√2, इसमें क्या आएगा √2x = -5, तो x आ जाएगा -5/√2, ठीक है। इस तरह से आपका जो रिक्वायर्ड जो फैक्टराइजेशन करने पर आवाज जो रूट आपका आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x = -√2 एंड -5/√2, ये आपका नंबर 2 रूट्स आया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपको रफ में लिखना है, और यहाँ पर आया था √2, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए √2 × √2, जब भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब ये हमेशा ये 2 ही आएगा, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है √a × √a=a होगा, यही फॉर्म को हम यहाँ पर यूज किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये दोनों में आपको पढ़ना है क्लास 10th पर, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट पर आएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।